एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज आप लोग ने जैसे देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये विंग बनाया था, ये वाला विंग। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे इस विंग को मैंने बनाया था। और आज अभी हम इसको फ्लाई करने वाले हैं, और आज विंड भी थोड़ी ज़्यादा है, पर देखते हैं कैसे फ्लाई होता है। सो होप दैट एवरीथिंग गोज वेल। होपफुली हमारा प्लेन क्रैश नहीं हुआ, हालांकि इधर पे विंड बहुत ही ज्यादा है। और मैंने सैली का एयरफॉइल यूज किया था, तो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा था। मेरा थ्रॉटल सिर्फ 30% पे था, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा लिफ्ट हो रहा था, तो ये प्लेन थोड़ा ज्यादा ही पिच सेंसिटिव था। बट मैंने मैनेज कर लिया और इसको अच्छे से सेफली लैंड कर दिया। तो मैं आपको एक ही टिप देना चाहूँगा कि आपको कभी भी पब्लिक एरिया में फ्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैं लैंडिंग प्लेस ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और अगर आप पब्लिक प्लेस में फ्लाई कर रहे हो तो आपको किसी पब्लिक को हर्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप हमेशा ऐसे खुले ग्राउंड में आके फ्लाई करें जिससे आप सेफली फ्लाई कर सकें। और अगर आपको ज़्यादा टिप्स जानी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आगे और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको फ्लाइंग टिप्स के बारे में बताऊँगा, आपको प्लेन फ्लाई करने के बाद क्या क्या उसके पहले आपको करना चाहिए, कौन सी चेकलिस्ट आपको बनानी चाहिए, और प्लेन को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर हिंदी में वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप मेक श्योर कि आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।